वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज आपके पास मैं एक गुड न्यूज लेके आया हूँ कि IBPS PO 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी जिसमें मैंने बताया था कि इस बार IBPS PO की वैकेंसी अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक में आएगी। सेकेंड वीक में मुझे ज्यादा उम्मीद थी बट थोड़ा सा जल्दी आ गई, और कुछ और भी बातें मैंने बताई थी जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से सही हो रही है। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये ज्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी पैटर्न और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में एक पीओ के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो चेक करते हैं इस बार इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ क्या क्या है नोटिफिकेशन के। रजिस्ट्रेशन आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो 2nd ऑफ अगस्त से शुरू हो रहा है और लास्ट डे है वो है 22nd ऑफ अगस्त। हर बार मैं आपको ये चीज समझाता हूँ, फिर से ये समझा रहा हूँ, लास्ट डे फॉर्म भरने मत जाना, पेमेंट फंस सकती है, इशू आ सकता है, सर्वर का इशू आ सकता है, ठीक है। तो दे आर मल्टीपल थिंग्स विच कैन गो रॉन्ग। तो लास्ट डे नहीं भरना है, पहले से फॉर्म भर के रिलैक्स रहना है और तैयारी को फुल फ्लैश शुरू कर देना है। जितने जल्दी फॉर्म भरोगे उतने जल्दी आपके माइंड में ये आएगा कि भाई अब तैयारी शुरू कर दो। टाइम ज्यादा नहीं है लेकिन इतना कम भी नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता है। टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, पहले आज मैं इस बारे में बहुत अच्छे से बात करूंगा। टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखने को मिल रही है वो है 6,432। मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने ये कहा था कि इस समय IBPS के पास अप्रोक्सीमेटली 8,000 पीओ की वैकेंसीज खाली हैं, और बहुत लोग को लग रहा था कि क्लर्क से ज्यादा वैकेंसीज पीओ की कैसे हो सकती हैं। तो भाई मेरी बात सही हो गई, जिसने नहीं माना नहीं माना, जिसने माना लाइक कर दो, ठीक है, और फिर से वीडियो को एक बार शेयर कर दो। अब कैसे है ये 8,000 तक पहुंचेगी वो भी मैं अभी समझा दे रहा हूँ। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, आप देखो सेंट्रल बैंक ने डिक्लेयर नहीं किया है, इंडियन बैंक ने डिक्लेयर नहीं किया है, इंडियन ओवरसीज ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि 4 बैंक में कितनी सीट आ जाएगी यार। केनरा बैंक ने अकेले इस बार 2,500 सीट्स रखी हैं, ठीक है। अगर आप ये देखो यूनियन बैंक में 2,094 सीट्स, तो 2,000 तो इन्हीं के पास अकेले रिक्वायरमेंट है पीओ की। तो हो सकता है कि 4 बैंक में हम 2,000 और रिक्वायरमेंट, सबको 1,500 निकालनी है ना, जो मैंने बात बोली थी उसके प्रूफ करने के लिए, वो निकल सकती है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे तो ये उस हिसाब से अच्छी वैकेंसीज इस बार आई हैं। एक कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे, सारी चीजें देखोगे, तो हर तरीके से इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी है, सबके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसको यूज करना है, कैसे उसको यूज करना है दैट इज अप टू यू, कितना आप उसको यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो अभी ये सब नहीं देखेंगे कौन से में है, किसमें नहीं है, किसमें ज्यादा है, वैकेंसी सब में आ जाएंगी। देखो लास्ट ऑप्शन है कि कौन सा बैंक मिलना है, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्शन है, ठीक है। सिलेक्शन इस बार लेके रहना है, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। तो वो चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार 1st ऑफ अगस्त को मीट होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे है, क्या है, ये सारी चीजें हम बताते हैं। कहा गया है कि एप्लीकेंट शुड हैव अ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब उनके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्लीज नोट दैट द डिग्री और मार्क शुड बी ऑब्टेन ऑन और बिफोर द डेट टू बी इशूड, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त से पहले आ चुका होना चाहिए। रिजल्ट नहीं आया है, प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं हुआ, तो मार्क्स एटलीस्ट आ गया होना चाहिए। होता है ना कि रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है लेकिन पहले मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका ये चीज 1 अगस्त से पहले होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर नहीं आया है तो मत भरना, पैसा वेस्ट हो जाएगा, सेलेक्ट भी हो जाओगे लास्ट राउंड में तो कैंसिल हो जाओगे, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट डू दैट, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, यहाँ पे आपका सारा एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर पे होगा। तो शुड हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कैसे चलाते हैं, कैसे उस पर लिखते हैं, टाइप करते हैं, और आज के टाइम पे करीब करीब 90% स्टूडेंट्स में मानता हूँ अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे उनको बेसिक नॉलेज तो होगा ही होगा। नहीं होगा तो आप सीख सकते हो, आपके पास इनफ टाइम है, लेकिन अभी नहीं सीखना है, अभी पहले फॉर्म भर लो, पेपर निकाल लो, सिलेक्शन हो जाएगा, उससे पहले आप सीख लेना, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपकी होती है कि आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को आना चाहिए जहां पे आपका, जहां से आप, जिस स्टेट से आपका सिलेक्शन हो रहा है। वैसे ये क्लर्क लेवल पे ज्यादा होता है, पीओ लेवल पे इसकी वैल्यू कम होती है, बट क्योंकि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है तो पीओ पे इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, बट आपको उस जगह की थोड़ी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अब एज लिमिट की बात करता हूँ, तो एज लिमिट जो है वो है 1 अगस्त को, मिनिमम आपकी एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स से ज्यादा क्रॉस कर रही है 1 अगस्त को, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आप
2 अगस्त को अगर 30 साल के हो रहे होगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना कि अपना डेट ऑफ बर्थ कायदे से प्रॉपरली मैच करा के ये चीज आप देख लेना और फिर आप इस फॉर्म को फिल करना। नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। भाई एग्जामिनेशन के बारे में पता चल गया कि एग्जामिनेशन आ गया है, अब हम उसको बात करना है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्जामिनेशन पूछे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होगी, ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, तो उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम आपको मेंटर प्रोग्राम में बताएंगे। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, वो इंडिविजुअल प्रोग्राम होगा, वो कोई ग्रुप नहीं है, वहाँ पे आपको 10 लोगों के बीच में नहीं समझाया जाएगा, आपको इंडिविजुअली बताया जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे कहाँ से पढ़नी जरूरत है, और आप इशू फंस रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हो। वो पर्टिकुलर मेंटर है और आपको वहाँ पे आपको कोई कोर्स नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बेसिकली सिर्फ गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, द कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेप्स, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, जो कि हर बार रहा है। अब हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपके पास ओवरऑल 60 मिनट्स होता है, आपके पास -2.5 गलत के लिए और 1 मार्क्स मिलता है सही के लिए। पैटर्न में आपका क्या होता है, इंग्लिश आता है, क्वांट आता है और रीजनिंग एबिलिटी होती है। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपका 30 का होता है, टाइम 20 मिनट्स मिलता है। इसी तरह से क्वांट में 35 मिनट्स, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स का होता है। रीजनिंग एबिलिटी में फिर 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। आपको इंडिविजुअल टाइम मिलता है हर सेक्शन के लिए, आप एक सेक्शन शुरू करेंगे उसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा, फिर आपका दूसरा सेक्शन शुरू होगा उसका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा सेक्शन शुरू होगा। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने मन से कोई भी सेक्शन कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो तो ये बात इस चीज को समझ लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स ही मिलेगा और वो 20 मिनट खत्म होते ही विद इन सेकंड्स दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा, आपको बीच में मार्जिन टाइम कुछ नहीं मिलता। अब मेंस के पैटर्न के बारे में समझते हैं। मेंस का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मेंस में थोड़े क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपके क्वेश्चंस जो होते हैं 155 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है और टाइम आपके पास 3 घंटे होते हैं। अब यहाँ टाइम जरूर बढ़ जाता है लेकिन लेवल ऑफ पेपर बहुत हाई हो जाता है। रीजनिंग एप्टीट्यूड में आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स, 60 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, ड्यूरेशन 40 मिनट्स। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 60 मार्क्स। तो आप देखो सिर्फ 35 क्वेश्चन के 60 मार्क्स हैं, यहाँ पे 45 क्वेश्चन के 60 मार्क्स हैं, तो आप लेवल समझो कि यहाँ लेवल कितना हाई होगा और टाइम मिलेगा आपको सिर्फ 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के और 35 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ टाइम ज्यादा मिल जाता है लेकिन आपको बाकी जगहों पे अपने टाइम को कायदे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। जैसे ही आपका ये सेक्शन खत्म होता है, यहाँ पे आपका लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग शुरू हो जाता है। लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग 2 क्वेश्चन होते हैं आपके, 25 मार्क्स के होते हैं और ये तभी चेक होता है जब आप इसका कट ऑफ मीटअप करते हो। कट ऑफ कितना जाएगा, लास्ट ईयर कितना गया था, ये सारी चीजों के लिए हम एक दूसरी वीडियो लेके आएंगे, आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कट ऑफ प्रीवियस ईयर में क्या रहा है। इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलता है और ये तभी चेक होता है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जब आप इसके क्वेश्चंस का कट ऑफ मीट करते हो। अब हम बात करते हैं आखिरी बात पे कि आपको कुल मिला के एग्जाम होना कब है। आपका जो एग्जामिनेशन है वो 15, 16 और 22 अक्टूबर को होना है, ठीक है। 3 डेट्स आपके एग्जामिनेशन की आई हुई है, 15, 16 और 22 अक्टूबर। तो अगर आप आज से देखो तो आपके पास पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है और हाफ अक्टूबर है, 2.5 महीने हैं, कम नहीं होते हैं। मैं बता रहा हूं अभी से भी, अगर आप लग जाओगे, अपने आप को फोकस कर लोगे, मैंने काफी पुरानी वीडियोस ऐसे बना रखी हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, स्पेशली इंग्लिश की स्ट्रेटजी के ऊपर, बिकॉज आई हैव शोन यू कि हाउ आई स्कोर मोर देन 28 मार्क्स आउट ऑफ 30 इन प्रीलिम्स और मेंस में भी, किस तरह से मैंने इतना अच्छा स्कोर किया था। तो कैसे आपको वो करना है, कैसे इंग्लिश में उतने नंबर लाने हैं, कैसे बाकी सेक्शन में, क्योंकि हर सेक्शन में अगर आप नंबर लेके नहीं आओगे तो आप फाइनल सिलेक्शन नहीं पा पाओगे। आपको हर सेक्शन में अच्छा करना होगा, सिर्फ एक दो सेक्शन करने से नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि कट ऑफ अब हाई जाने लगी है। अब हम बात करते हैं आखिरी चीज कि मेंस एग्जामिनेशन आपका 26th ऑफ नवंबर को होने वाला है। इसका डेट भी आ चुकी है कि 26th ऑफ नवंबर को आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो आपके पास मेंस के लिए भी बहुत टाइम नहीं है, तो आपको करंट अफेयर्स मैं कहूंगा कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो। जो बच्चे अभी से करंट अफेयर्स और बैंकिंग नहीं पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सफर करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 40 मार्क्स का होता है मेंस में। नाउ सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं। भाई हमको ये समझ में आ गया एग्जाम क्या है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, पैसा कितना मिलेगा, ये भी तो बहुत बड़ा वैल्यू करता है। पैसे की बात करेंगे तो पैसा मिलेगा आपको 36,000 रुपीज बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है जो कि 5,904 रुपए का है। डियर अलाउंस अप्रोक्सीमेटली
8583 है, बट जब तक आप ज्वाइन करोगे ये अप्रोक्सीमेटली 11,000 के आसपास होगा, ठीक है। तो आप ये भी मान के चलो कि आपको इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसके बाद सी सी ए अकाउंट अलाउंस जो आपका है वो 1400 रुपये के आसपास, लर्निंग अलाउंस 600, डी ए उसके लिए अलग से 1500, ठीक है। हाउसिंग रेंट अलाउंस 3200, ये थोड़ा कम है बट इससे ज़्यादा मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली नेट सैलरी आपकी 57,000 बनती है और आपको जो इन हैंड सैलरी हो रही होगी एट द डे ऑफ ज्वाइनिंग 52,000 आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो। लेकिन जिस दिन आप एक्चुअली में ज्वाइन करोगे जो कि आपका 1 अप्रैल 2023 होगा, 2023 होगा, तब तक आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि ये 60,000 प्लस की सैलरी होगी। और आपको एक चीज बता दूं कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का जो डेट है वो नवंबर 2022 है, ठीक है। तो नवंबर 22 में आपकी सैलरी भी रिवाइज होने वाली है, लेकिन क्योंकि हर बार बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 2 से 3 साल लग जाते हैं तो ये बाद में होगी और आपको इस समय की सैलरी हाइक होकर बाद में एरियर के रूप में मिलेगी। तो आपको सैलरी जो मिलेगी वो 60,000 से भी ज्यादा पर मंथ मिलेगी, 70 भी जा सकती है, 70-75 भी जा सकती है, ठीक है। तो वो सब हम बाद में बात करेंगे आगे और इस सेशन में बात करेंगे कि एक्स के सिवा सैलरी के में और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको गाड़ी के पेट्रोल के लिए पैसा मिलता है, आपको घर के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, लीज पे कुछ चीजें मिलती हैं, आपको फर्नीचर का पैसा मिलता है, बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं, कपड़ा प्रेस कराने के लिए, फोन के लिए, पेपर के लिए, बहुत सी चीजें मिलती हैं जो मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा। बट पहले फॉर्म भरो, प्रिपरेशन शुरू करो और इस बार सिलेक्शन लेना है। कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लो कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट, गुड लक।